Everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So another very important video for all Delhi University aspirants, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब एडमिशन प्रोसेस जो है वो तेज़ी से चल रहा है. स्पेशल कट ऑफ 2 रिलीज़ हो चुकी है, उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि क्या कोई और नॉर्मल कट ऑफ आएगी. फिर स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन, वॉच इट टिल लास्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अब सबसे पहले हम इसमें स्पेशल कट ऑफ जो स्पेशल ड्राइव 2 आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आई थिंक उसमें ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए है. वापस आपको ये सब पता होना चाहिए. मोस्टली कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, और ये जो स्पेशल कट ऑफ है इसमें भी मीन्स रिजर्व कैटेगरीज के भी जो एडमिशन हैं वो ऑलमोस्ट मीन्स 70-90% के स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं. तो यू कैन चेक इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर. और इसकी जो एडमिशन्स हैं वो 21st and 22nd दो दिन चलेगा, और लास्ट डेट आपकी पेमेंट की 26th December है. और इसमें वापस मीन्स वही सारी बातें हैं कि अगर आप पहले एडमिशन ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं. मीन्स यू आर एलिजिबल ओनली इफ़ यू कुड नॉट और डिड नॉट टेक एडमिशन अंडर एनी स्पेशल कट ऑफ, और इवन इट इंक्लूड्स एनसी वेब ऑल्सो. तो उसके बाद है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आप मीन्स किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए ही है, तो उनका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 31st March के बाद से रिन्यूड होना चाहिए. तो अगर आपने अभी तक ये नहीं करा रखा तो आप ये करा लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है. और क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि आप उसको दोबारा से लाइक एफिडेविट या कोई अंडरटेकिंग दे दें या कुछ ऐसा कर लें. तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसके बाद मींस मोस्टली इस स्पेशल ड्राइव में भी ये लिखा हुआ है कि मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड. मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड मींस अगर आपने पहले से एडमिशन ले रखा है किसी भी कोर्स में कॉलेज में और आप चाह रहे हैं कि आप उसे चेंज कर लें, तो That movement is not allowed. तो now many of you are getting worried. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि अब क्या कोई और नॉर्मल कट ऑफ आएगी जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी कुछ एडमिशन का चांस मिलेगा या फिर उनको चेंज करने का चांस मिलेगा. तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब क्या है कि आपकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो UGC ने डिक्लेयर कर ली है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 31st December तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आज है हमारा 21st December. तो मींस अब 10 days ही बचे हैं, और इन्हीं 10 days के अंदर ही वो चाह रहे हैं कि सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए. तो इसके लिए ही अब आई थिंक उन्होंने ये सब मूवमेंट स्टॉप कर दी है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि बार बार एडमिशन प्रोसेस जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर चेंज करने लग जाते हैं. तो आई थिंक नाउ दे आर इन द प्रोसेस टू वाइंड अप द एडमिशन, कि अब मीन्स बहुत कम चांसेस हैं कि अब कोई और नॉर्मल कट ऑफ आएगी. बट स्टिल देयर इज़ वन होप, मीन्स एंड में हो सकता है, बिल्कुल एंड में 31st December के बाद मीन्स आसपास, उससे थोड़े एक दो दिन पहले, कि जब सारे तरह के एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे. मीन्स अभी ECA का भी कॉलेज अलॉटमेंट बाकी है, और CW वाले बच्चे भी कुछ वेट कर रहे हैं कि क्या पता थर्ड कट ऑफ आएगी, और स्पोर्ट्स की भी शायद आएगी. तो इन सारी चीज़ों के बाद मीन्स सारा कुछ हो जाने के बाद अगर कुछ सीट्स बचती हैं तो आई थिंक यूनिवर्सिटी विल नॉट लीव देम वेकेंट. उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी वाले उन सीट्स को वेकेंट कर दें. तो फिर आई थिंक देयर मे बी वन लास्ट नॉर्मल कट ऑफ टू फिल ऑल द सीट्स, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के बच्चे बचे हैं तो, बट उसके चांसेस बहुत कम हैं. ये सिर्फ एक गेस है, एक एजम्पशन है, एंड इट्स जस्ट अ होप. मीन्स वी ऑल शुड बी होपफुल. बट राइट नाउ वॉट यू ऑल हैव टू डू कि आपको अभी जो भी कॉलेज मिला है आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि अब कुछ और हो पाएगा. अगर हो जाता है तो दैट इज़ योर लक, एवरीबडी विल बी हैप्पी कि आपको जो डिज़ायर्ड मीन्स कॉलेज और कोर्स था वो मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर नहीं होता तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट
स्टार्टिंग नाउ स्टार्ट अटेंडिंग योर क्लासेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अंडरटेकिंग को लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट्स आ रहे हैं कि वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो उसके लिए अगर आप वो स्पोर्ट्स वाला जो नोटिस आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी स्पोर्ट्स की अंडरटेकिंग जो है वो अपने एडमिशन के टाइम पर ही ऑनलाइन सबमिट करवानी है। मींस उसमें ऑफलाइन करवाने का कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑफलाइन बाद में उसको सबमिट कराएंगे तो वो एडमिशन के टाइम पर ही आपको सबमिट करवानी है, वो आप वहाँ पर लिखा हुआ है। और एक चीज़ और है इसमें, मींस पहले अगर हम लास्ट ईयर की 2019 की अंडरटेकिंग देखें तो उसमें वो 100 रुपीज़ का कुछ मींस कुछ साइन और कुछ स्टैम्प वगैरह भी लगवानी होती थी, बट इस साल उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो इस साल आपको शायद से सिंपल ऐसे ही ऑनलाइन ही इसको सबमिट करवाना है। तो अब एक और बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है कि उसमें रोल नंबर और क्लास का पूछा गया है। तो आई थिंक योर रोल नंबर क्लास विल डेफिनेटली बी फर्स्ट ईयर, इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो आपका जो भी क्लास है, जो भी मीन्स कोर्स है, आप अपना उसमें लिख सकते हैं। और रोल नंबर आपको आई थिंक यूनिवर्सिटी वालों ने अगर अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज के जो आई थिंक हेल्प डेस्क का जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आपका रोल नंबर में क्या आएगा, कि क्या वो एडमिशन स्लिप नंबर आएगा या जो भी होगा, तो वो आप उसमें कन्फर्म करके फिर फिल कर दें। बाकी आई थिंक देर इज़ नॉट मच टू वरी। तो अब हाँ एक चीज़ और है कि आप एडमिशन पोर्टल जिनके नहीं खुल रहे थे उनके मोस्टली बच्चों के खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप उसको चेक कर लो, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा का पोर्टल ओपन हो चुका है और आप उसमें एडमिशन करा लें। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ही आपका फ़ी पेमेंट होगा, तो ये सारा प्रोसेस अभी चलेगा। तो बट नाउ द थिंग्स आर टेकिंग सम शेप आई थिंक, तो वी कैन होप कि 31 दिसंबर तक सबको एडमिशन मिल जाए जो भी जहाँ भी चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने सीरियसली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अब क्या है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी आने हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आगे, आपका जो एनुअल कैलेंडर है उसके लिए भी। क्योंकि अब अगर एडमिशन प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे, तब तक वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। बट नाउ आई थिंक फ्रॉम 1 जनवरी योर एडमिशन प्रोसेस होपफुली विल बी कम्प्लीटेड एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू कॉलेज लाइफ। सो share this video, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it and like the video if you found it useful. Thank you everybody.